हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मयंक मनीला वीलॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 3, जिसमें हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और उनमें क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? एज अ नेम सजेस्ट करता है, इन यानी अंदर, यानी ऐसे डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर कर पाते हैं, वो होते हैं इनपुट डिवाइसेस। लाइक कीबोर्ड है, माउस है, हमारा स्कैनर है, MICR है, जिसे हम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन भी कहते हैं, OCR है हमारा, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं जिसे हम। तो ये सभी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर पर डिस्प्ले कर सकते हैं एज अ रिजल्ट। लाइक मॉनिटर है हमारा, प्रिंटर है हमारा, या फिर हमारे स्पीकर्स हैं। तो ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं, वन बाय वन एग्जाम्पल स्टडी करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड एज अ नेम सजेस्ट, इसमें बहुत सारी कीज होती हैं, बहुत सारी फंक्शन कीज भी होती हैं, स्पेशल कीज भी होती है जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। इसकी भी हम एक वीडियो आगे चलकर बनाएंगे। तो कीबोर्ड बेसिकली एक टाइपराइटर की तरह होता है जिसमें बहुत सारी कीज होती हैं और इन कीज को प्रेस करके हम अपने टेक्स्ट को कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं? एंटर करते हैं। इसके बाद हमारा आता है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम अपनी कमांड्स कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं? एंटर करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस जो हमारी प्रेजेंटेशन थी उसमें डिस्कस किया था पूरा माउस, कि इसमें लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, एक स्क्रॉल व्हील होता है, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, हमने वो सब उसके अंदर स्टडी किए हैं। तो उसको स्टडी करके भी हमें पता चला कि माउस जो है वो क्या है, कंप्यूटर के अंदर अपनी कमांड्स एंटर करवा रहा है। तो जिसके कारण जो हमारा माउस है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। फिर होता है स्कैनर। स्कैनर में क्या होता है कि हमारे पास एक हार्ड कॉपी है, सपोज हार्ड कॉपी यानी जिसे आप टच कर सकते हो, चाहे वो कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी इमेज होता है, तो उसको जब हम स्कैनर के अंदर डालते हैं तो वो स्कैन होकर कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर जब डेटा एंटर होता है तो वो सॉफ्ट कॉपी में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो स्कैनर क्या कर रहा है? हमारी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है और उस सॉफ्ट कॉपी को अब हम क्या कर सकते हैं? एडिट भी कर सकते हैं। तो इन दिस वे स्कैनर का भी यूज हम क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको भी क्या कहते हैं? एक इनपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है MICR, दैट इज मैग्नेटेड इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक इनपुट डिवाइस होता है, मोस्टली इसका यूज किया जाता है बैंक्स के अंदर। बैंक्स के जो चेक्स होते हैं उसके ऊपर एक कोड लिखा होता है, वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, तो उसे रीड आउट करने के लिए हम MICR का यूज करते हैं। सेकेंड फिर होता है हमारे पास OCR, दैट इज ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। इसका यूज किया जाता है किसी भी डिजिटल इमेज के ऊपर जो करेक्टर्स होते हैं। करेक्टर्स क्या होते हैं? ABCD ये जो होते हैं, ये सभी हमारे करेक्टर्स होते हैं, इनको रीड करने के लिए हम OCR का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास, इसके अंदर जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? हमारी जो साउंड होती है उसको क्या करता है? इलेक्ट्रिक वेव्स के अंदर क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है और हमारी ऑडियो को क्या कर देता है? कंप्यूटर के अंदर क्या करता है? एंटर करता है। मतलब जो भी हम बोलते हैं उसे कंप्यूटर के अंदर एंटर करवाने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। सो इट इज आल्सो अ इनपुट डिवाइस। अब हमारे आते हैं आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल। सबसे पहले है मॉनिटर। हम ऑलरेडी मॉनिटर पढ़ भी चुके हैं, ये एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है। तो इसके ऊपर कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं हमें मॉनिटर पर वो क्या होता है? डिस्प्ले होता है। तो इसलिए क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर के बाद हमारा जो डिवाइस आता है वो है प्रिंटर। प्रिंटर का यूज हम करते हैं, जैसे हमारे पास कंप्यूटर में आपको मान लो सपोज MS Word पर कुछ भी काम करने के लिए दिया है, लाइक महात्मा गांधी पर आपने ऐसे लिखा है, वो उसके अंदर जो डेटा है वो है सॉफ्ट कॉपी। अगर हम चाहते हैं कि हमें उसकी हार्ड कॉपी मिल जाए, यानी उसका प्रिंट आउट मिल जाए, हम उसे कंप्यूटर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो हम प्रिंटर का यूज करके उसकी एक कॉपी क्या
कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे। तो बेसिकली प्रिंटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, हमारा आउटपुट डिवाइस। फिर आते हैं हमारे स्पीकर। स्पीकर के थ्रू जैसे माइक्रोफोन से हम कंप्यूटर के अंदर आवाज डाल रहे थे, उसी तरह स्पीकर से क्या होता है, अगर वो कंप्यूटर से या हमारे किसी भी डिवाइस से कनेक्टेड है तो उसमें जो भी ऑडियो प्ले हो रही है, चाहे वो कोई गाना है, चाहे वो कोई मूवी है या फिर कोई वीडियो गेम की साउंड है, तो उसे उस डिवाइस से बाहर मतलब सुनाने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। स्पीकर से हम गाने सुनते हैं ना, तो बाहर आ रही है आवाज हमारी, तो इसलिए वो क्या, हमारा आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा जो आउटपुट डिवाइस होता है वो है प्रोजेक्टर। आपने कंप्यूटर लैब के अंदर देखा भी होगा, प्रोजेक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो भी मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा होता है उसे एक बड़ी स्क्रीन या वॉल पर डिस्प्ले करने के लिए हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। यानी कंप्यूटर में जो भी डाटा आपको दिखाई देता है, अगर हम चाहते हैं कि वो एक बड़ी सी स्क्रीन या वॉल पर दिखाई दे हमें, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ आउटपुट डिवाइस। अब आता है हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर वो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें हम टच कर सकते हैं, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो होते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स कह सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं, जो कंप्यूटर को दी जाती हैं एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जैसा हमने पढ़ा कि हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, इसलिए इसके अंदर एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है टेंजिबल। टेंजिबल यानी जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, इसलिए हार्डवेयर टेंजिबल होते हैं, सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल होते हैं क्योंकि हम उन्हें टच नहीं कर सकते। बेसिकली जो हार्डवेयर है उसके अंदर क्या क्या चीजें आते हैं, देखो आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़े हैं, चाहे वो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, सबको टच कर सकते हो तो वो क्या है, हार्डवेयर है। आउटपुट डिवाइसेस पढ़े हैं, चाहे वो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, इन्हें भी टच कर सकते हो तो वो भी क्या है, हार्डवेयर है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक जो हमारे डिवाइसेस जिसका यूज हम करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, चाहे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ये सब क्या है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गए, हमारे हार्डवेयर हो गए। सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिकली दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली बनाए जाते हैं कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर के जितने भी पेरिफेरियल डिवाइसेस हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। मेन एग्जांपल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस है, ये हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जो कंप्यूटर होता है उसमें हम विंडो डली होती है, तो वो जो विंडो है वो भी क्या है, एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आपसे कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल पूछे तो आप विंडोज का एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज किया जाता है पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। लाइक एमएस वर्ड है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसका यूज किया जाता है कोई भी टेक्स्ट अगर हमें राइट करना है या कोई भी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है उसकी लुक और अपीयरेंस को चेंज करना, बोल्ड इटैलिक कलर वलर चेंज करना है, तो वो सब वर्ड के अंदर किया जाता है। जैसे पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि उसका यूज हम करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अब इसके बाद होता है कि जो हार्डवेयर होता है उसके ऊपर वायरसेस का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो वायरसेस से अफेक्टेड होते हैं। अगर वायरस आ जाता है तो हमारे सॉफ्टवेयर खराब हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा हार्डवेयर है उसके ऊपर जो होता है वायरस का किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो लास्ट पॉइंट हमारा ये है, इसके एग्जांपल हो गए लाइक माउस, कीबोर्ड, रैम, रोम, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके एग्जांपल हो गए एमएस वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपकी क्वेरी, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।